मैंने पिछली बार भी इस बात को रखा था सदन में कि जब स्कूल कोई गए ही नहीं बच्चे तो फीस किस बात की। स्कूल के मालिकों ने ऑनलाइन पढ़ाई का एक ऐसा नाटक सा रच दिया कि ऑनलाइन स्टडी करा रहे हैं। सभापति महोदय, फर्स्ट क्लास का बच्चा कौन सी ऑनलाइन क्लास अटेंड करता है? गांव में रहने वाला बच्चा जहां नेट नहीं आता है, मोबाइल नहीं है, वो कौन सी ऑनलाइन परीक्षा को अटेंड करता है? और मैं तो कहता हूं शहर के बच्चा भी कोई ऑनलाइन जो क्लास है उसको ठीक से अटेंड नहीं करता है। और उस सेक्शन जो एक क्लास में 10-10 सेक्शन थे स्कूलों में, जहां 10 टीचर पढ़ा देते एक सब्जेक्ट को, ऑनलाइन क्लास में उस 10 जो भी सेक्शन थे उसको एक ही टीचर ने पढ़ाया, यानी कि 9 टीचर का बेनिफिट स्कूल को हुआ, लेकिन स्कूल के मालिक ने अभिभावक को कोई बेनिफिट देना उचित नहीं समझा। सभापति महोदय, अभिभावक गए, हाईकोर्ट गए कि ट्यूशन फीस 75% ले ली जाए। स्कूल मालिकों ने सारे खर्चों को जोड़ के उसको ट्यूशन फीस में कन्वर्ट कर दिया, ऊपर से 10-20% फीस में वृद्धि भी कर दी। इसके बावजूद अभिभावक गए सुप्रीम कोर्ट, इनके पास बड़े बड़े वकील हैं। अभिभावक जो होता है वो बेचारा सुप्रीम कोर्ट के वकील की फीस नहीं उठा सकता, महंगे वकील की, वो अपना पक्ष ठीक से नहीं रख पाए और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया ट्यूशन फीस दे दी जाए 100%। सभापति महोदय, मेरी गहरी आपत्ति है इस बात पे और मैं घोर सरकारों की लापरवाही मानता हूं। हिंदुस्तान की किसी भी सरकार ने इस बात की चिंता नहीं की कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाए, सरकार पैरवी करे अभिभावक के हितों की और सरकार कानून बनाए, बिल लाए, क्योंकि बिना कानून बिना बिल कोई भी सरकार किसी भी स्कूल मालिक को आदेश नहीं दे सकती कि वो फीस ना ले। सरकार को चाहिए था कि ऐसा बिल लाके कानून बनाए कि जब स्कूल में गया नहीं बच्चा तो फीस किस बात की, कोचिंग गया नहीं बच्चा तो कोचिंग सेंटर वाले फीस ले रहे हैं। सभापति महोदय, MBBS के लिए, इंजीनियरिंग के लिए 1.5 से 1.5 लाख रुपया एक साल की फीस ली, एक भी दिन कोचिंग सेंटर वाले ने पढ़ाया नहीं। और जिसने पहले ऑफर दिया कोरोना से पहले 5,000 की छूट देंगे जल्दी फीस दो, तो उन्होंने पूरी फीस जमा करा दी। बेचारा गरीब मिडिल क्लास कि मेरे को 5,000 की बचत हो जाएगी, उसकी पूरी फीस जब्त हो गई। अब ऐसा भी नहीं है कि चलो ये फीस ले ली तो अगले साल में हम इसको छूट दे देंगे, कोई उसको छूट नहीं दी जा रही है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सरकार बिल लाए, सरकार कानून बनाए और स्कूलों की मनमर्जी को रोके। और सभापति महोदय, अभी वर्तमान में बहुत से कोचिंग सेंटर ये ऑफर दे रहे हैं, बड़े-बड़े ऐड दे रहे हैं कि अगर आप ऑनलाइन क्लास लेंगे तो 75% फीस आपकी माफ कर दी जाएगी जो ऑफलाइन में फीस ली जा रही है। यानी कि यह इस बात को प्रमाणित करता है कि ऑनलाइन पढ़ाई करने पे उनके खर्चों में 75% की कमी आई है, तभी तो ये ऑफर दे रहे हैं। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि उनके लिए कानून लाए। सभापति महोदय, वैसे ही गरीब किसान मजदूर का बेटा